हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अंडर वीडियो। आज के इस वीडियो में ऐसे तीन टिप्स आपके सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको आपके क्लास 10 के जर्नी में एक किक स्टार्ट देने वाली है। ठीक है, पहला नंबर टिप है हमारा जो होता है बुक रीडिंग। आपको बुक रीडिंग स्टार्ट कर देनी। मैंने भी ये डिफिकल्टी होता है फेस किया है क्लास 10 में। क्लास 9 में अच्छे से बुक रीडिंग नहीं किया, एक्सपीरियंस होता है वो गेन नहीं किया, इसलिए क्लास 10 में बहुत सारा दिक्कतें आया था। पर आपको ये आने नहीं दूंगा, इसलिए आपको बुक रीडिंग जो होता है स्टार्ट कर देनी। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डायरेक्ट बुक रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। पहले एक टीचर से जो लेक्चर होता है वो सुन लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद आप बुक रीडिंग जो होता है स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो ना, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना है तो फिर आप डायरेक्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो फिर आपका डिफिकल्टी होता है वो बहुत हाई। फिर हमारा दूसरा नंबर टिप है नोट्स मेकिंग। आपने कंसेप्ट क्लियर करवा लिया, आपने बुक रीडिंग कर लिया, दो तीन बार बुक जो होता है रीड करना है, जो चैप्टर होता है वो रीड करना है। उसके बाद आपको इतना तो ज्ञान आ जाए कि आप अपने आपसे नोट्स बना सकेंगे। और नोट्स कैसे, नोट्स एक्सटेंसिव नोट्स। इस नोट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा नोट्स बनाने पड़ेंगे, इन नोट्स को पढ़ के आपको पूरा जो चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से दिमाग में आ जाएगा। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, ठीक है। और आपको अगर नोट्स के बारे में और भी जानना है तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके लिए मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स के लिए मेरे फ्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो फिर तीन नंबर टिप आता है हमारा रिलेशन विद टीचर। टीचर से अच्छा रिलेशन बना। एक चीज मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, जब मैं क्लास 10 में था मैं ज्यादा इग्नोर करता था, अवॉइड करता था जो टीचर्स का लेक्चर था। मैं सोचता था कि घर जाऊंगा फिर से जो होता है यूट्यूब से पढ़ लूंगा फिर से, पर ऐसा नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसा टाइम जो होता है आपका कवर नहीं हो जाता है, इसलिए आप अगर स्कूल में जाते हैं तो फिर जो टीचर पढ़ाते हैं वो वहां पे भी आपको फोकस देना पड़ता है, कंसंट्रेट वहां पे भी करना पड़ता है। नहीं तो आप जो होता है घर में आके फिर से ट्यूशन से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए जो टीचर के साथ रिलेशन होता है, एक स्टडी का एनवायरमेंट जो होता है वो अच्छे से बना लेना।